गया जिले के वजीगंज विधानसभा क्षेत्र से पोलल्स पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वंदना सिंह ने नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के द्वारा वंदना सिंह को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर वंदना सिंह ने कहा कि बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार और विकास के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए फ्लोरस पार्टी का गठन किया गया है। इसी कड़ी में वजीरगंज विधानसभा से उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है ताकि वजीरगंज विधानसभा में अधूरे पड़े विकास के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। कि हम भी प्लूरल पार्टी से जो है उम्मीदवार हैं और हम आगे अच्छा ही काम करके दिखाएंगे। हमारे पार्टी का मोटिव ही है कि बदलाव बिहार में, तो इसी मकसद से बिहार में बदलाव के लिए ही हम जो है इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं और भारी से भारी बहुमत से हम जीत के भी आएंगे। सर, क्या मुद्दा लेकर मैदान में चुनाव लड़ेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो बिहार का है सर कि रोजगार नहीं है यहाँ पे, और जो सिस्टम्स हैं भी उनमें बहुत सी कमियाँ हैं, और शिक्षा का स्तर काफ़ी लो है, स्टैंडर्ड लिविंग भी काफ़ी कम है। तो हमारे पार्टी का सबसे पहला यही है मोटिव कि रोजगार मुहैया कराएंगे। इस ये जो वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र है उसमें लघु कुटीर उद्योग लगवाना चाहेंगे, जो छोटे कस्बे के लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर जाके काम करते हैं उनको यहीं रोज़गार मिले, अपने परिवार के साथ रहें। स्कूलों की भी हालत कुछ खासा अच्छी तो है नहीं, आप लोगों से छिपी नहीं है, टीचर्स हैं तो स्टूडेंट नहीं हैं, स्टूडेंट हैं तो टीचर नहीं हैं। तो हमारा यही सब जो कमियां हैं बिहार में उनको फिलफिल करने का मोटिव है। महिलाओं को सबसे पहले तो सर सशक्तिकरण का जो है, और जो घर में कैद हैं महिलाएँ तो उनको अवसर दिलाना चाहेंगे। बस पेपर में वो 50% का आरक्षण हम नहीं रखेंगे, हम चाहेंगे हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं किसी से पीछे नहीं है सर, और महिलाएं किसी से पीछे नहीं रहेंगी। हमारा अगर बहुमत आता है, अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए भी सर अच्छा काम करेंगे सर। महिलाओं को घर से निकालना, महिलाओं को सेल्फ डिपेंड बनाना हमारा ही एक मोटिव है सर। तो यही चाहेंगे, शिक्षा होगा तो फिर शिक्षा के बाद तो ऐसे भी बौद्धिक विकास ही सबसे बड़ा विकास होता है किसी भी राज्य का। तो सबसे पहले शिक्षा, रोजगार, और जो हमारा धर्म निरपेक्ष बिहार है उसको हम चाहते हैं सर कि एक दूसरे का धर्म जो है और जातिवाद ना हो, यहाँ सबको एक समानता का अधिकार मिले और सब आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर बिहार को बनाना चाहते हैं सर हम। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा, तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।